नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिले में एक किशोरी के अपहरण कर हत्या करने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 वर्ष पहले हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर झाड़ियों के नीचे से किशोरी की हड्डियों के टुकड़े व कपड़ों के अवशेष आदि सामान बरामद किया। जून 2020 में बरदा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी का अपहरण हो गया था। इस मामले में परिजनों ने जिसे आरोपित किया था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। बावजूद इसके किशोरी की बरामदगी न होना पुलिस के लिए एक पहल बन चुकी थी। नवंबर 2022 में एसपी अनुराग आर्य ने मामले की विवेचना के लिए एएसटीयू प्रभारी को लगाया था। एएसटीयू प्रभारी साइंटिफिक तरीके से जांच शुरू किया तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने विवेचना में नाम प्रकाश में आने पर हत्यारोपी अमित सरोज निवासी मिर्जा जगदीशपुर थाना बरदा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर मृतका के शव की हड्डियों के अवशेष तथा मृतका के माता पिता द्वारा चिन्हित कपड़े के टुकड़े को फील्ड यूनिट ने बरामद किया। यही नहीं, सर्विस लाइन सेल से प्राप्त सीडीआर अवलोकन के आधार पर मुकदमे में हत्या व साजिश आदि की धारा को बढ़ा दिया। विवेचना के दौरान माँ व बेटी मालती व पिंकी निवासी गढ़ मिर्जा जगदीशपुर का नाम प्रकाश में आया। एसपी अनुराग आर ने बताया कि आरोपी ने गला दबाकर किशोरी की हत्या की थी। मामले में अपहरण के आरोप में आरोपित को जेल भेज दिया गया है, लेकिन अपहरण करने वाले का बरामद न होने पर विवेचना एसटीयू को सौंपी गई थी, जिसके बाद साइंटिफिक तरीके से हुई विवेचना के मामले में खुलासा हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि बरामद हड्डियों व कपड़े को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। जून 2020 में थाना बरदा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की को अभियुक्त अमित सरोज, जो थाना बरदा अंतर्गत मिर्जा जगदीशपुर गांव का रहने वाला है, इसके द्वारा अपहृत कर लिया गया है। इस संबंध में थाने पर FIR नंबर 153/20, धारा 363, 366, 120 BIPC FIR पंजीकृत की गई। इसकी विवेचना थाने के द्वारा की गई एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, परंतु अपहर्ता की बरामदगी नहीं हो पाई। 2 वर्ष तक विवेचना संपादित होने के बाद अपहर्ता की बरामदगी न होने पर यह विवेचना मेरे द्वारा 10 नवंबर 2022 को ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने के प्रभारी अभयराज मिश्र को ट्रांसफर की गई, जिनके द्वारा इसकी अग्रिम विवेचना की गई। उन्हें एक बार पूरा CDR का एनालिसिस किया गया, जो पुरानी CDR उपलब्ध थी, सभी लोगों से पूछताछ की गई। अभियुक्त को दोबारा हिरासत में लेके इससे पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर इसके द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा जून 2020 में ही रात में अपहर्ता को गांव के बाहर बने हुए अपने डेरे पर बुलाया गया और वहीं पर पानी की टंकी के बगल में बात करते हुए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद इसने लाश को एक बोरी में भरकर गांव के बाहर पोखरी के बगल में झाड़ियों में छिपा दिया। मौके पर इसकी निशानदेही पर फील्ड यूनिट को भेजा गया। फील्ड यूनिट के द्वारा साफ संकलन किया गया है। वहाँ से कुछ हड्डियों के अवशेष बरामद हुए हैं, जिनको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ मृतका के कपड़ों के टुकड़े बरामद किए गए हैं, जो इसकी निशानदेही पर बरामद किए गए हैं, और इस प्रकरण में धारा 302, 201, 120 बी की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।